बहुत खुशी है कि बकीदा के हर एक फिल्म में मेरा गाना होता ही था, या तो गाने होते थे या गाना होता था। तो बकीदा मुझे ये कहते थे कि तुम मेरी सिंगर ही नहीं हो, तुम मेरी असिस्टेंट हो। तो वो बहुत प्यार करते थे, इतने प्यारे इंसान, इतने प्यारे दादा। तो अब ये बहुत अच्छी बात है, क्रेडिट जाता है रीमा को और गोविंद को कि वो लोग दादा की जो ड्रीम थी फिल्म रिलीज़ हो, म्यूज़िक आगे आए, फिल्म आगे आए, वो ये लोग पूरी कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, और दादा के नाम पे कुछ भी हो मेरा होना ज़रूरी है क्योंकि उसके बिना मेरा। तो रीमा ने मुझे बताया ऐसा ऐसा, तो मैंने बोला बिल्कुल सवाल ही नहीं उठता, मैं तो आऊँगी ही, डेफिनेटली आऊँगी। और मुझे खुशी है कि आज दिस मूवी इज सीइंग द लाइट ऑफ द डे, द म्यूजिक इज सीइंग द लाइट ऑफ द डे, लोग सुनेंगे गानों को। बकीदा नहीं है लेकिन उनकी खुशबू, उनका संगीत सब चारों तरफ फैला हुआ है, और ये और गाने, नए गाने लोग सुनेंगे उनके। कुछ आपकी मेमोरी है बकीदा के साथ? सब कुछ, ये तो सालों 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 की हमारी हमारा एसोसिएशन था। और सबसे बड़ी बात है, बकीदा वॉज नॉट ओनली अ कंपोजर फॉर मी, वो मेरे लिए फैमिली मेम्बर थे। और वो भी हम मुझे भी बोलते थे कि तुम तो मेरी फैमिली हो, और मैं ही नहीं, मेरे सारे फैमिली मेम्बर और उनके सारे फैमिली मेम्बर, हम लोग इतने घुले मिले हुए थे और घुले मिले हैं अभी भी। और हम लोग तो हमेशा ही फैमिली बन के ही रहेंगे, दादा के रहते और दादा के नहीं रहते भी, हम लोग एक ही फैमिली हैं और हम लोग हमेशा ऐसे रहेंगे। तो और सबसे सबसे ईजी गोइंग म्यूज़िक डायरेक्टर थे दादा, मतलब उनके साथ काम करने में कोई स्ट्रेस नहीं होता था। वो बोलते थे अपने हिसाब से गाओ, तुम तो मेरी असिस्टेंट हो, तुमको पता है कैसे गाना है, ये मेरी चोर है, तुमको पता है कैसे गाना है, असिस्टेंट हाँ गाओ, नीचे डीजे में तो मौतन गाओ, मौतन गाओ इच्छु भापते हो बिना। तो मैं भी उनके रिकॉर्डिंग में बहुत रिलैक्स रहती थी और हंसी खुशी काम होता था और मजाक मस्ती भी होती थी। बहुत ही स्वीट इंसान थे दादा, मतलब मैं जितना बोलूँ उतना कम है, और बहुत याद आते हैं, बहुत याद आते हैं। गाना गुनगुनाएंगे, और कहिए कौन सा गाना है क्या अभी उन ऐसे तो या बकीदा का कोई भी गाना जो आपने साथ में कभी गाया? सावली सनोने तेरी मीठी मीठी बातें कर दिया तूने मेरा प्यार में जीना मुश्किल, हो सावली सनोनी तेरी झील सी आँखें इनमें न जाने कहाँ हो गया है मेरा दिल। क्या आपको लगता है कि बकीदा का स्टाइल और बकीदा जैसा गाना अभी दुनिया में कोई आते है जो? नहीं है और आएगा भी नहीं दादा, बस यूनिक। किस तरह के इंसान थे आप मिलते हैं तो कैसे, कोई मोमेंट बताएंगे आप गाने के दौरान, कोई वाक्य ऐसा शेयर करें कि रिकॉर्डिंग के दौरान जो आपके साथ हुआ? बहुत है, वही तो मैं बताई तो रही थी आपको कि बहुत हंसते खेलते गाना हो जाता था। और दादा को अगर कभी बोलूँ दादा ये लाइन ऐसे, कोई बात नहीं तुम ऐसे गा लो इसको, मतलब कोई इनके चेहरे पर कभी शिकन नहीं होती थी, हमेशा स्माइल होती थी। और मतलब उनके घर में, उनके फैमिली में कोई भी ओकेजन हो, दुर्गा पूजा, लक्ष्मी पूजा, गणेश पूजा, सरस्वती पूजा, जो yes, भी उसमें फर्स्ट विधि है हमेशा बोलते थे अलका तुमको आना है पूजो अच्छे बाड़ी थे। तो कभी ऐसा नहीं होता था कि उनके कोई भी ओकेजन में मैं पार्टिसिपेट ना करूँ, या उनके घर में कोई भी गैदरिंग हो और मैं ना जाऊँ। जैसा कि मैंने कहा फैमिली मेंबर, एक फैमिली, उनकी फैमिली मेरी फैमिली है। आज दुर्गा पंडाल में क्या दादा की कुछ लगाया जाएगा फोटो वगैरह? हाँ ऑफ कोर्स, वो तो है ही, वो और मुखर्जी ब्रदर्स ने शुरू किया था नॉर्थ बॉम्बे, उनके पेरेंट्स और हमारे दादा दादी वो द फर्स्ट बंगालीज हु स्टार्टेड नॉर्थ बॉम्बे दुर्गा पूजा। तो आज 75 प्लस ईयर्स हो गए हैं
तो अभी तो चलो गुरुजन लोग ने तो सब चले गए, पर अभी हम जनरेशन तो है ही, और दादा तो ये पूजा में मतलब बच्चे से बड़े हुए हैं, और अभी तो वो पूजा माँ की कृपा से आशीर्वाद से इतना बड़ा हो गया दुर्गा पूजा, और अभी हमारी जनरेशन आर टेकिंग फॉरवर्ड, और पापा बहुत ही एक्टिव है एंटरटेनमेंट में, तो वही पूरा करता है हर टाइम, हर साल सिंगर्स लाना और ये करना, अभी भी अमेरिका में है तो उसने ही सबको करके दिया। मैं बोलना चाह रही थी अभी पापा का एक मैंने गाना गाया कंपोज किया हुआ, तो बापीदा का ट्रेडिशन पापा ले जाएगा आगे, और रेमा तो है ही, और स्वास्तिक पूरा फैमिली म्यूजिकल फैमिली है, दादा की लेगेसी चलती रहेगी जन्मों जन्मों तक। आप लोग का आशीर्वाद है तो बापीदा अपने आप ही आता है, तो क्या कोई बायोग्राफी बनाई जाएगी दादा के ऊपर? हाँ ऐसे तो दो तीन नहीं प्लान ही आ रहे हैं लोग प्रपोजल लेके, तो हम अभी बात कर रहे, अभी डेढ़ साल ही हुआ है, तो थोड़ा बहुत हम लोग भी अभी स्लोली स्लोली एक हाथ तो नहीं आ पाएंगे, पर द शो मस्ट गो ऑन, दादा ऑलवेज बोलते द शो मस्ट गो ऑन, कुछ भी हो जाए चलना चाहिए काम, रुकना नहीं है। तो ऐसे तो बहुत प्रपोजल्स आए हैं बायोपिक के लिए, तो वो लोग अभी भी शुरू उन्होंने शुरू कर दिया ऑलरेडी पूछना ही करना म्यूजिशियन से फैमिली से, वो तो बहुत जल्दी हम लोग यू नो वी पुट इट ऑन फ्लोर वेरी सून। थैंक यू सो मच।